गणतंत्र दिवस के मौके पर समाज के युवाओं द्वारा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। जमाते इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। जमाते इस्लामी हिंद कोरबा के अध्यक्ष शमशेर आलम ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल कोरबा में रक्तदान किया। हमारी संस्था द्वारा 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए जीवन बचाने वाले इस महादान को रक्तदान कहा जाता है। आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोविड के बाद लगातार रक्तदान की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके वजह से हम लोगों ने सोचा कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में ब्लड मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। साथ ही जमात इस्लामी विगत 70 वर्षों से इस देश में काम कर रही है और हमारा निशुल्क बच्चों का ट्यूशन क्लास भी चलता है। इस तरह से कई सामाजिक कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं हमारे। 50 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और अब तक तकरीबन 20 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।